प्रेग्नेंट होने पर माँ ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि गर्भ में लड़का है या फिर बेटी। सदियों से यही उत्सुकता चली आ रही है और इस वजह से इस विषय को लेकर कई धारणाएं, कहानियां और भ्रम पैदा हो गए हैं। अगर यूरिन माना जाता है गर्भवती के यूरिन का कलर अगर डार्क है तो गर्भ में लड़का हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और इसके अलावा जब आप गर्भवती होती हैं, गर्भवती होने पर आपके जो पेट की शेप है वो अगर अंडाकार होती है तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। आपके अगर स्तन, आपका लेफ्ट स्तन अगर आपका भारी हो रहा है तो माना जाता है गर्भ में लड़का है। ये सभी प्रेगनेंसी में आपको अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। तीसरे महीने के बाद आपको अगर लगे कि आपके ब्रेस्ट में ये भारीपन, एक ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन फील हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में बेटा है। इसके अलावा अगर गर्भ में बेटा होता है तो आपकी नाभि पर जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी होती है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रही है। इस तरीके से नाभि से ऊपर की साइड एक लाइन बनती है, इसको बोलते हैं लीनिया निग्रा। तो इसको भी माना जाता है कि गर्भ में बेटा है। अगर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है तो माना जाता है गर्भ में बेटी है। तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्चे की जो दिल की धड़कन है, बच्चे की दिल की धड़कन अगर 120 से बिलो आती है तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। अगर 120 से अबव आती है, यानी कि ऊपर आती है, 120 से ज़्यादा आती है, तो माना जाता है गर्भ में बेटी है। तो ये अनुमान लगाने के लिए आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आपके बालों में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो माना जाता है आपके गर्भ में बेटा है। आप इससे सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं। इसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी में आपके फेस पर पिंपल्स और बहुत ज़्यादा आपकी फेस की रौनक चली जाती है तो माना जाता है आपके गर्भ में बेटा है। ये सभी लक्षण आपको प्रेगनेंसी टाइम पर तीसरे महीने के बाद दिखाई देते हैं। तीसरे महीने के बाद जब आपको ये सिम्टम्स नज़र आएँ, और इसके अलावा मीठा खाने का मन करता है तो माना जाता है गर्भ में बेटी है, लेकिन अगर खट्टा खाने का मन करता है तो गर्भ में बेटा है। आपको 8 से 9 महीने के बीच में अगर पेट की साइड से कमर की साइड दर्द जा रहा है तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। प्रेगनेंसी टाइम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स और आपके पेट में बहुत ज़्यादा हलचल बच्चा करता है तो माना जाता है गर्भ में बेटा है। तो ये सभी लक्षण आपको प्रेगनेंसी टाइम पर दिखाई देंगे। आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए अगर हलचल महसूस ना हो, या फिर स्वेलिंग ज़्यादा हो रही हो, या फिर आपको हल्की सी भी